सरकार के द्वारा ये ग्लास पुल बना हुआ है जिसमें इसकी लागत लगी है 3,70,00,000 रुपए। कि इस ग्लास पुल का यह उद्घाटन तक नहीं हुआ है, ये उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा होना था और अभी तक हुआ नहीं है। उद्घाटन के पहले ही इसका ये टूट गया है नीचे से। चित्रकूट में पाठा क्षेत्र के मारकुंडी जंगल तुलसी प्रपात में बने उत्तर प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज में पहली बारिश में ही कई स्थानों पर दरार आ गई है। इससे पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वन विभाग ने जल्द शुभारंभ करने का दावा भी किया था। जिस स्थान पर ब्रिज के उपकरण लगाए गए हैं उसके चबूतरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। इससे कभी ब्रिज गिरने व अनहोनी की आशंका है। वन विभाग ने 3.70 करोड़ की लागत से मारकुंडी के तुलसी जलप्रपात में प्रदेश के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया है। इसमें ब्रिज के साथ टिकट विंडो व आसपास चबूतरे व सौंदर्यकरण के काम शामिल है। इसे पवन सूद कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही है। लोकसभा चुनाव के पहले वन और पर्यटन विभाग ने इसके पूर्ण और मजबूत होने का दावा किया था। यह कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद यह आमजन के लिए खोला जाएगा। अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई और बारिश ने अधिकारियों व गुणवत्ता के दावे की पोल खोल दी। जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती ने कहा कि उन्होंने ग्लास ब्रिज का मौके पर जाकर देखा है। अभी से कई स्थानों पर दरारें पड़ी है, यदि बारिश और हुई तो ग्लास ब्रिज गिर सकता है। कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। स्थानीय सचिन त्रिपाठी ने कहा कि वह पहले से ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे। कई बार निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारिश ने उनके दावे को सही साबित किया। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के उपनिदेशक एके सिंह ने बताया कि यह ब्रिज अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, अभी ब्रिज में कुछ काम बाकी है। डीएम के साथ निरीक्षण के बाद निर्माण एजेंसी को कई अधूरे काम पूरे कराने के लिए कहा गया है। सारी जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की है। निर्माण एजेंसी ने बताया कि बारिश के कारण प्रवेश करने वाले फुटिंग स्थान पर कुछ मिट्टी के खिसकने से दरार दिख रही है जिसे सही कराया जाएगा। निर्माण एजेंसी के अनुसार ब्रिज निर्माण के बाद पहली बारिश में ही इसमें जो कुछ कमी होगी उसका पता चल जाएगा। इसके बाद इसमें सुधार कर दिया जाएगा जिससे आगे कोई समस्या ना हो। जिलाधिकारी शिव शरणम्पा ने स्काई ग्लास ब्रिज का निरीक्षण कर दिए कई सख्त निर्देश। आज मैं मारकुंडी क्षेत्र आई हुई हूँ और यहाँ पे मारकुंडी क्षेत्र में एक सवरी जलप्रपात था जिसमें ये उत्तर प्रदेश का सरकार के द्वारा ये ग्लास पुल बना हुआ है जिसमें इसकी लागत लगी है 3,70,00,000 रुपए। यहाँ पे प्रशासन और ठेकेदारों के मिली भगत से बंडरवांट किया गया ये पैसा। और ये जो ग्लास पुल बना हुआ है इसका जो पिलर है, पिलर एकदम चकनाचूर हो गया है और इसमें कभी बड़ी भी कोई घटना हो सकती है क्योंकि अभी तक ये इस ग्लास पुल का यह उद्घाटन तक नहीं हुआ है। ये उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा होना था और अभी तक हुआ नहीं है। उद्घाटन के पहले ही इसका ये टूट गया है नीचे से। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, जिन्होंने ये पैसे का बंडरवांट किया है, चाहे ये प्रशासन के लोग हों चाहे ये ठेकेदार हो, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। तो जैसे मतलब से हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों ने आज डी एफ ओ साहब और SMPW के साथ ज्वाइंट विजिट किया और वहाँ पर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी बनाया जिसमें टेक्निकल आधार पर हम लोग उसको सबमिट करेंगे। और इसमें MNIT इलाहाबाद जो है वहाँ पर हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुला के हैंड ओवर से पहले इंश्योर करेंगे कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का फॉलो हो, क्योंकि लगभग काम भी कंप्लीट हो चुका है तो हैंड ओवर करके हम उसको संस्कृत कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आ करके और ये बहुत ही दार्शनिक स्थल है, बहुत प्यारा लग रहा है। योगी जी ने ये भेंट दी है चित्रकूट को जी। बहुत ही प्यारा है लेकिन यहाँ पर कुछ भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो ये भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है यहाँ सामने जी हाँ। तो ये भ्रष्टाचार कम हो, इस पे जाँच हो, जो अधिकारी हैं पूर्व जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा और पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो ये भ्रष्टाचार की भेंट ये पूरा ग्लास ब्रिज को चढ़ाया गया है, ये एक मौत की दुकान हो गई है जी। पर्यटक स्थल बनाया योगी जी ने, इसको पर्यटक स्थल बनाया, बहुत अच्छी सौगात दी चित्रकूट को, पर यहाँ जो है ये मौत का एक प्रकार से मौत की सौगात हो गई यहाँ के ही कुछ ठेकेदारों द्वारा। देखिए यहाँ जो ये दरारें आई हुई हैं, पुल में दरारें आ गई, अभी से उद्घाटन नहीं हुआ है ब्रिज में। इसमें माननीय योगी जी से यही मांग है, इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए बिल्कुल, जिससे कि
जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सबक मिल पाए। देखिए यहाँ देखने के बाद तो ये लग रहा है कि सरकार की मंशा तो इसमें बहुत अच्छी है जी, लेकिन अब ठेकेदारों की मिली भगत और ठेकेदारों और अधिकारियों का गठजोड़ साफ साफ दिख रहा है जी जी, कि बहुत चालू दर्जे का काफी काम हुआ है जी जी, और अभी काफी निर्माण कार्य भी अधूरा दिख रहा है जी जी, इस पे और तेजी लाने की जरूरत है जी जी। और बाकी यह स्थान का तो बहुत अच्छा चयन किया गया है सरकार द्वारा, ये भविष्य में काफी बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा जी जी। सरकार को इसमें गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये पब्लिक आएगी यहाँ उनके जान माल का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।